तो बात हो रहा था कि भाई तो ठीक है, तो गैसेस जो है वो हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा चीज है कि गैसेस का क्वांटिटी कम करना पड़ता है। तो गैसेस का क्वांटिटी कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वैक्यूम पंप लगाते हैं। वैक्यूम पंप क्या करेगा, गैसेस को यहाँ से क्या करेगा, सक कर लेगा। तो गैसेस को सक कर लेगा तो गैसेस की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये क्यों करते हैं, गैसेस की क्वांटिटी क्यों कम करनी पड़ती है, ज्यादा गैसेज रहेंगे तो क्या हो जाएगा। सेंस रहेगा वोल्टेज को, वो वोल्टेज को, रेजिस्ट वोल्टेज मतलब वो रेजिस्ट करेगा उतना। करेगा, करेक्ट। अगर गैसेज की क्वांटिटी ज्यादा है तो वोल्टेज भी तो फिर बहुत ज्यादा लगेगा उसको कंडक्ट कराने के लिए। तो वोल्टेज बहुत ज्यादा लगेगा तो उतना वोल्टेज बेसिकली सच में फिजिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली, ठीक है। मतलब 1 ATM गैस को कंडक्ट कराने के लिए वोल्टेज इतना ज्यादा लगता है कि वो फिजिबल ही नहीं हमारे लिए प्रैक्टिकली। तो फिजिबल वोल्टेज अप्लाई करने के लिए गैस की क्वांटिटी बहुत कम होना चाहिए। गैस की क्वांटिटी कैसे कम करेंगे, वैक्यूम पंप लगा के। वैक्यूम पंप लगा गैसेस खींच लेंगे, व्यू अल्टा बहुत कट ऑफ कम क्या आ गैसेस रहा छोड़ है? देंगे, ठीक है। वीडियो अभी नहीं, वीडियो और ऑडियो अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है, नहीं वो जब कोई बीच में ज्वाइन करता है थोड़ा बहुत होता है फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो इसमें आगे लिखिए, अब राइट डाउन ये ड्रॉ करके उसमें नीचे लिखिए, गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिर से बोल दे रहा हूं मैं, अभी जैसे स्टार्ट किया। गैसेस आर, ये फिगर के बाद से लिखिए, गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट देयर कंडक्टेंस मे बी इंक्रीज, बट देयर कंडक्टेंस मे बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी कंडक्टेंस मे बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों एक ही बात हो गया, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। बिटवीन इलेक्ट्रोड्स और डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ गैस और डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ गैस ठीक है। देखिए प्रेशर ऑफ गैस कम करना मतलब प्रेशर कम कर रहा है तो गैस का प्रेशर कम मतलब उससे क्वांटिटी भी कम होगी। नहीं, जैसे ये रूम में, जिस रूम में खड़ा हूं मैं, 1 ATM प्रेशर है, तो अगर कुछ क्वांटिटी बाहर निकाल दे कैसे भी शक कर गए तो क्वांटिटी कम होगा रूम से, तो रूम में, रूम के अंदर गैस का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों कम कर रहे हैं हम लोग गैस का प्रेशर, गैस का प्रेशर कम करना मतलब क्वांटिटी कम करना। क्वांटिटी कम करना मतलब कि जितने कम से कम पार्टिकल रहेंगे वो क्या करेंगे, जो भी यहाँ से पार्टिकल निकलेगा कैथोड से उसके रास्ते में रेजिस्टेंस कम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस कम क्रिएट करेंगे तो ताकि करंट ठीक ठाक फ्लो हो, नहीं तो बहुत ज्यादा वोल्टेज करना पड़ेगा अप्लाई, ठीक है। तो प्रेशर कम करना मतलब बेसिकली मोल्स, मोल्स मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी कम करना। क्वांटिटी कम कर देंगे तो उस पार्टिकल की वजह से आपका आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ताकि जो भी पार्टिकल निकले, नहीं यहाँ से जो पार्टिकल निकलेगा मान लो कैथोड से, तो उसके रास्ते में जितने कम पार्टिकल्स रहेंगे गैस के उतना आसानी से पहुंचेगा यहाँ, और जितने आसानी से पहुंचेगा उतना करंट आएगा। बहुत ज्यादा गैस के पार्टिकल रहेंगे तो इसको रेजिस्टेंस ज्यादा फील होगा पार्टिकल को, तो करंट भी कम आएगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्लियर हो गया, नेक्स्ट पैरा से लिखिए, व्हेन, इसको लिख लीजिएगा, प्रेशर कम तो मोल्स कम, मोल्स कम तो उसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस कम, वही नीचे लिख लीजिएगा।
आगे लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, पैरा चेंज करके. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग सम गैस, containing some gas. Sir, is passed in. Or video B. हो गया सही सर. थोड़ा हाँ थोड़ा वेदर का प्रॉब्लम है आज. अभी थोड़ा मौसम चेंज हो गया है नागपुर में. Yes. हवा हवा चलने लगा. पहली बार मैं इतना हुआ हूँ इससे जूम से इतना ज्यादा हुआ. थोड़ा तंग हो रहा हूँ आज मैं. पहली बार कभी इतना होता नहीं था. कोई बात नहीं. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं जो ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है ये. इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग सम गैस इन सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन मतलब लो प्रेशर में रहे. कंटेनिंग सम गैस इन सुटेबल कंडीशन कॉमा, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द गैस, कॉमा द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, the gas present in the tube glow at some position, the gas present in the tube glow at some position. Full stop. It was defined due to emission of some radiation through cathode. It was defined due to emission of some radiation. Full stop. The name cathode ray is given to these radiations. The name cathode ray is given to these radiations. आगे लिखिए, पहले आप चेंज कर लिखिए. पहले पूरा ऐसे लिखवा देता हूँ फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. नेक्स्ट पैरा लिखिए. The reason behind emission of cathode ray, from the cathode surface is the effective collision of massive positive particles at cathode surface. The effective collision results the dissociation of atoms of cathode.
dissociation of atoms of cathode. Full stop. As the cathode is negatively charged, comma, it repels the negatively charged particles resulting cathode rays. फुल स्टॉप. ये देखिए, ये चैम्बर का एक लार्ज व्यू बना रहा हूं मैं, ठीक है. ये कैथोड वाला प्लेट है, कोई मेटल होगा, कोई ना कोई मेटल ही होगा, मेटल का शीट, ठीक है. और ये गैसेज है. अब गैस मान लीजिए मैंने एयर ले लिया है, एयर में क्या क्या रहता है, O2 प्लस N2, ठीक है. तो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ आपने, तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज क्या करता है, हाई वोल्टेज वो इन गैसेस को आयोनाइज करेगा. तो N2 और O2 में पहले O2 करेगा आयोनाइज, ठीक है, क्योंकि N2 ज्यादा स्टेबल होता है और N2 ऑलमोस्ट इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे. N2 रिएक्ट नहीं करता जल्दी, O2 कर जाता है. नहीं, कैंडल बर्न करते हैं तो O2 होता है ना सप्लाई, O2 रिएक्ट करते जाएंगे तो O2 ज्यादा रिएक्टिव है. तो जब वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो वोल्टेज क्या कर रहा है, एक प्लेट को निगेटिव बनाया है, एक प्लेट को पॉजिटिव. ये अगर इस प्लेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो O2 में होंगे क्या, यहाँ पे O2 के एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, O2 के मॉलिक्यूल्स में बार बार ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे. तो इतना ज्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ होगा, वो वोल्टेज मतलब ये पॉजिटिव प्लेट O2 में से उसके ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल कर लेगा, मतलब निकाल देगा. तो ये O2 में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो O2 प्लस ऐसे लिख सकते हो, देखो तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक पॉजिटिव, दो निकलेगा तो दो पॉजिटिव, देखो कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ. तो O2 में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गया, कौन निकाला, वोल्टेज सबसे पहला काम. तो ये जो गैस है वो क्या हो गया, आयनाइज हो गया. अब जब तो इसी प्रोसेस में बोलते हम लोग आयनाइजेशन, मतलब आयन्स बन गया, O2 आयन बन गया, O2 प्लस. तो आयन्स बन जाएगा तो आयन्स आपको पता है आयन्स क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है. तो बाय दिस प्रोसेस अ गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए O2 में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब जब O2 प्लस बन गया, ये जो एयर में से जो O2 प्लस बन गया, बहुत सारे O2 प्लस बन गए होंगे, नहीं बहुत सारे O2 प्लस बन गए होंगे, देखिए, ठीक है. तो अब ये O2 प्लस किस साइड जाएगा, कैथोड की तरफ भागेगा या फिर एनोड की तरफ भागेगा, एनोड की तरफ, इसकी तरफ एनोड की तरफ, O2 प्लस, O2 प्लस की तरफ आगे. एक सेकंड, सॉरी, कैथोड की तरफ जाएगा सर, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है. हाँ, और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा. करेक्ट, कैथोड है नेगेटिव और O2 पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे बना था पॉजिटिव. और ये प्रोसेस कैसे हुआ, तो विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से, ठीक है. सो तो O2 का मास बहुत ज्यादा होता है ना, तो O2 बहुत हाई स्पीड से किसको हिट करेगा, कैथोड को हिट करेगा, देखिए तो कैथोड के सरफेस को हिट करेगा बहुत हाई स्पीड से. जब O2 बहुत हाई स्पीड से कैथोड के सरफेस को हिट करता है तो वो क्या करता है, कैथोड के आउटर मोस्ट सरफेस जो भी एटम्स होंगे, कैथोड भी एक किसी न किसी सब्सटेंस का बना हुआ है ऐसे, तो कैथोड के भी सरफेस पे एटम्स ही होंगे छोटे छोटे. तो वो O2 प्लस क्या करता है, कैथोड के सरफेस के एटम्स को
डिसोसिएट कर देता है, तोड़ देता है, और जब वो कैथोड सरफेस कैटन को तोड़ता है तो उसके कैथोड के सरफेस से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। कैथोड के सरफेस से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और वो कैथोड से दूर भागते हैं, वो कैथोड से दूर भागते हैं और किसकी तरफ भागते हैं, एनोड की तरफ। तो वो कैथोड से निकल रहे हैं, इसीलिए जो भी पार्टिकल निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैथोड रे। क्यों कैथोड रे, क्योंकि कैथोड से निकल रहा है। और इसका नेचर क्या माना इन्होंने, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, कैथोड भी क्या है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहता तो कैथोड से दूर भागता क्या, नहीं सर, नहीं ना। तो अगर कैथोड से दूर भाग रहा है इसका मतलब जो पार्टिकल निकल रहा है, जो पार्टिकल, उसका भी नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, सही है। यस सर, ठीक है। तो O2, देखिए बहुत सिंपल है, O2 प्लस, O2 प्लस बना पहले ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज, हाई वोल्टेज। O2 प्लस बन के गया कैथोड के सरफेस से, मारा कैथोड के सरफेस, टूट कर कैथोड के सरफेस से कुछ पार्टिकल निकले और वो एनोड की तरफ भागे, ठीक है। तो O2 उधर भाग रहा है और कैथोड पार्टिकल इधर भाग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कैथोड का पार्टिकल निकल कर कहां पहुंच जाएगा, एनोड पे। अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, कैथोड का नेगेटिव है, तो कुछ कैथोड से निकल कर एनोड पे चला जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं। हाँ सर, सर्किट कंप्लीट हुआ। कैथोड से कुछ निकल कर एनोड पे चला जाए तो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। देखो कैथोड से एनोड जाए, सर्किट कंप्लीट होते ही, अब तो देखो ये पार्टिकल अपने को दिखता नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव इंप्लीमेंटेड व्हाट, एमिटर, ताकि जैसे ही कुछ पार्टिकल निकल कर एनोड पे, जैसे ही कुछ पार्टिकल, तो वीडियो पॉज हो रहा है, नेट का बहुत प्रॉब्लम है, वो मैसेज आ रहा है ऐसा स्क्रीन पे, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, नेट का प्रॉब्लम है यार सर, वो वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ होगा। हाँ, वेदर चेंज हुआ अचानक से, अभी तक मैं बाहर से आया, मैं 2 बजे मैं घर पहुंचा एग्जैक्ट, बहुत तेज धूप थी और 10 मिनट के अंदर पूरा हवा वगैरह चलने लगा। वैसे जनरली बहुत कम होता है, अभी मैं कुछ दिन पहले लेक्चर ले रहा था तो भी बारिश हुआ था ना बहुत, 2-3 दिन 4 दिन पहले, तो इवनिंग में ले रहा था लेक्चर तो बारिश बहुत तेज हो रही थी बाहर, फिर भी लेक्चर पूरा अच्छे से चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ, वेदर की वजह थोड़ा बहुत होता है बट इतना नहीं होता कभी, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, कुछ सर्वर का हो सकता है इशू हुआ उनका, ठीक है। तो हाँ, तो मैं एमिटर क्यों लगाया हूँ यहाँ पे, ताकि जैसे ही कैथोड से कुछ पार्टिकल निकल कर एनोड पे पहुँचने लगे तो सर्किट कंप्लीट होते ही करंट आने लगेगा, तो ये एमिटर में क्या आएगा, इस तरह से डिफ्लेक्शन आने लगेगा, नहीं एमिटर में ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन आने लगेगा, जैसे ही एमिटर में आएगा डिफ्लेक्शन मैं समझ जाऊँगा कैथोड से कुछ पार्टिकल निकल के एनोड पहुँच रहा है, ठीक है। तो जो कैथोड से पार्टिकल निकला उसी को क्या नाम दिया गया, मतलब फिलहाल के लिए कैथोड रे बोलते हैं। देख लीजिए, ये मैंने आपको 2 पैराग्राफ में लिखाया पूरा, तो ये लिख लीजिएगा, O2 से O2 प्लस बनता है, फिर O2 प्लस कैथोड की तरफ भागता है, वो जाके हिट करता है कैथोड को, फिर कैथोड से कुछ पार्टिकल निकल के एनोड की तरफ भागता है। तो जो कैथोड से जो पार्टिकल निकल कर एनोड की तरफ भागता है उसी को क्या बोला गया है, कैथोड रे। ये सब ड्रॉ कर लीजिएगा, अभी तक लगता है ये तो बहुत ईजी है, इसको क्या ड्रॉ करूँ, बट यार ये सोच के ड्रॉ करेगा सर, चीज लिखिएगा कि आपको 2 साल तक रखना आपके साथ, दिमाग में भी नोट्स में भी, भूलती चीजें जेन्युइन चीजें, मतलब बहुत नेचुरल है भूलना, कुछ गलत नहीं बट भूलता है, इसलिए आपको छोटी छोटी बातें, जो देखिए कई सारी चीज़ों में जो मैं नहीं लिखाऊंगा, जो मुंह से एक्सप्लेन कर देता हूं मतलब ओरली, तो आपको खुद से अपने लैंग्वेज लिख लीजिए, आप हिंदी इंग्लिश मराठी जो जैसे भी लगे, बट आपको नोटबुक में रहना चाहिए। Properties of
कैथोड रे। सर एक सेकंड होल्ड कीजिए ना। हाँ हाँ मैं बोल नहीं रहा हूँ अभी, देख लीजिए आप। Yes, sir. Properties of cathode rays. Write down. They travel in a straight line. They travel in a straight line and comes out normal to the surface of cathode for example cathode अगर ऐसा है इस तरह से निकलेगा normal मतलब perpendicular यहाँ पे word जो normal है उसका मतलब perpendicular आपने पढ़ा होगा mathematics normal अगर इस तरह से cathode surface मान लीजिए तो ऐसे आएगा ठीक है उसके परपेंडिकुलर अगर इस तरह का सरफेस है तो ऐसे आएगा ये इसका बना द प्रॉपर्टी सेकेंड पॉइंट दे आर ये आपने टेंथ में पढ़ा होगा ना वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो ऑप्टिक्स चैप्टर में है ना ऐसा कुछ लाइट का नहीं कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर का हाँ सर है ना प्लेन मिरर कॉन्वेक्स कॉन्केव है सर ये तो सेकंड पॉइंट लिखे दे आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे पता किया क्योंकि वो कैथोड से दूर भाग रहा था नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फुल स्टॉप थर्ड पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे The particles of cathode rays possess mass. Third point. The particles of cathode rays possess mass. मतलब कैथोड रे के पार्टिकल में मास भी जैसे लाइट में मास नहीं होता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बट कैथोड रे का जो पार्टिकल उसमें मास भी था ये कैसे पता किया तो क्या किया इसके रास्ते में जो है एक व्हील रख दिया वेरी लाइट वेट व्हील इस तरह से तो ये हमें डायग्राम में ऐड करना है ना कर लीजिए हाँ ये कहीं तो नाइन्थ या टेंथ में अगर आप रेफरेंस बुक देखेंगे या कहीं तो था ये तो अब पार्टिकल निकलेगा और ये व्हील है मतलब घूम सकता है ये पार्टिकल निकलेगा हिट करेगा तो ये कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सही देखो तो घूमने लगेगा ऐसे ऐसे तो अगर ये व्हील घूमने लगा तो व्हील तभी घूमेगा जब कोई मास हिट करे किसी ने किसी मोमेंटम से हिट करे नहीं तभी तो घूमेगा तो मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी तो स्पीड तो है मतलब मास भी रहा होगा तभी तो घूमेगा वो ठीक है तो मास भी होता है इसमें एंड फोर्थ पॉइंट
ये ऐड कर लीजिए डायग्राम में, ये रेफरेंस बुक में है 9th के, एनसीईआरटी में शायद ना हो बट है रेफरेंस बुक में, जो रेफरेंस बुक एक्सचेंज की आती है ना उसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, जेजे थॉमसन कैलकुलेटेड। तो ऑडियो नहीं आया था, प्लीज रिपीट कर दीजिए ना। जेजे थॉमसन कैलकुलेटेड चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो तड़ी इसे बोलते हैं ई बाय एम रेशियो। ई मतलब चार्ज, मास। जेजे थॉमसन कैलकुलेटेड चार्ज बाय मास रेशियो दैट इज ई बाय एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज एंड फाउंड दैट इट इज कांस्टेंट एंड फाउंड दैट इट इज कांस्टेंट इसकी वैल्यू है 1.758 इनटू 10 पावर 11 चार्ज का यूनिट कूलम, मास का यूनिट केजी। कूलम पर केजी। Independent from the nature of gas, and electrodes used in the experiment. And ये statement repeat कर दीजिए ना। हाँ। देखिए एंड फाउंड दैट इट इज कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू आया एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट फुल स्टॉप। He defined that, the constant ratio is possible only when in all experiments cathode rays are made up of identical particles. So audio disturbance आ रहा है, बस ये last वाला statement repeat कर दीजिए ना। He defined that the constant ratio वाला। He defined, actually वो मेरा Bluetooth का वो battery, उसका battery लो गया है, charge लगाया उसको, ठीक है? He defined that the constant ratio is possible only when in all experiments cathode rays are made up of identical particles Identical particles
एंड सच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एंड सच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स फुल स्टॉप. The name electron was given to these particles. The name electron was given to these particles. The name electron was given to these particles. Full stop. तो जे जे थॉमसन ने ई बाई एम कैसे निकाला इसके बाद वाला मतलब इसके बाद का टॉपिक है वो जस्ट की कैलकुलेशन ऑफ ई बाई एम रेशियो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है थॉमसन ने किया था. बट फिलहाल के लिए कि भाई ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रहा था कब जब जो गैस लिया मान ली मैंने ओ टू लिया है तो गैस चेंज कर दीजिए ओ टू की जगह एच टू ले लीजिए हीलियम ले लीजिए तो गैसेज चेंज करने के बाद भी ई बाई एम कॉन्स्टेंट आ रहा है. अच्छा फिर उन्होंने क्या किया कैथोड जो लिया है मान लो एक बार सोडियम लिया है दूसरी बार सीजियम ले लिया हो सकता है कोई और मेटल ले लीजिए तो कैथोड चेंज करने के बाद भी ई बाई एम कॉन्स्टेंट तो गैस भी चेंज कर दिया कैथोड भी चेंज कर दिया तो भी ई बाई एम कॉन्स्टेंट आया. इसका मतलब क्या हुआ हर बार ई बाई एम कॉन्स्टेंट आ रहा मतलब उसका चार्ज भी वही है मास भी वही है और ई बाई एम अगर कॉन्स्टेंट आ रहा है इसका मतलब पार्टिकल भी वही निकल रहा होगा हर बार और अगर हर बार पार्टिकल वही निकल रहा है इसका मतलब वो पार्टिकल एटम चेंज करने के बाद भी तो कैथोड चेंज किया मतलब एटम चेंज कर दिया सोडियम ले लिया सीजियम ले लिया रुबिडियम ले लिया तो एटम चेंज करने के बाद भी जो कैथोड रे जिस पार्टिकल को बना है वो पार्टिकल हर एटम में होगा नहीं भाई. जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये जो मार्कर है अलग अलग क्लासरूम हो जाए अलग अलग सिटी हो जाए स्कूल हो जाए कॉलेज हो जाए इंस्टीट्यूट हो जाए कुछ भी चेंज कर लीजिए अगर व्हाइट बोर्ड होगा तो ये मार्कर होगा ही होगा. नहीं मार्कर का चलिए मार्कर खैर कलर अलग होता है तो कहने मतलब क्या है कि स्कूल चेंज कर लीजिए मतलब अलग अलग क्लासरूम का साइज अलग होगा बच्चे अलग होंगे टीचर अलग होगा बट कभी मार्कर चेंज होगा क्या. हर क्लासरूम में मार्कर होना जरूरी है. वैसे ही कैथोड चेंज कर लिया उसके अंदर गैसें चेंज कर लिए फिर भी अगर ई बाई एम चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ जो पार्टिकल निकल रहा है कैथोड का वो हर एटम के अंदर पाया जाता है और जो हर एटम के अंदर पाया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल. जैसे अपने बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या है सेल सेल बोलते हैं ना बायो में तो वैसे ही मतलब कैसा भी आदमी हो गोरा हो काला हो लंबा हो मोटा हो नहीं औरत हो आदमी हो कैसा भी हो सेल पाया ही जाएगा. तो ऐसी चीजें जो कुछ भी चेंज करे उसका फंडामेंटल यूनिट है जो कुछ भी चेंज करिए उसमें पाया ही जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट. बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या है सेल है. तो वैसे ही सब कुछ चेंज कर देने के बाद भी अगर ई बाई एम वही आ रहा है मतलब जो कैथोड पार्टिकल है उसको नाम दिया गया बाद में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कि एटम चेंज करने के बावजूद भी ई बाई एम वही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल. ठीक है ये प्रूफ हो गया कि हर बार ई बाई एम सेम आ रहा था. ठीक है फंडामेंटल मतलब वो हर एटम में पाया जाए क्लियर है. ठीक है तो ये हुआ पार्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली. इसके बाद ई बाई एम कैसे निकाला उसके बाद चार्ज कैसे निकाला मिल्कन वाल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसके बाद मास कैसे निकाला. तो इतना कंप्यूटर के बाद एक फंडामेंटल पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन उसके बाद स्टार्ट होगा प्रोटॉन उसके बाद न्यूट्रॉन तब जाके अपना बेसिक पार्ट खत्म होगा. ठीक है चलिए तो अभी एक आपको एक अनाउंसमेंट करना था आप लोग को. अनाउंसमेंट ये है कि अभी कुछ दिन जो एक्चुअली जैसे आपको बताया कि करेंटली ये जो बैच स्टार्ट हुआ है 8 जून से इसमें 5 स्टूडेंट्स आप लोग हैं. ठीक है सो ऑलरेडी एक 11वीं का बैच चल रहा है. ठीक है तो द प्रॉब्लम इज व्हाट कि क्या होगा कि अब जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे तो हमें चीज़ें बार बार ऐसे हम लोग नया बैच नहीं बना सकते. ठीक है
ये प्रॉब्लम इस पैंडेमिक की वजह से सभी लोग फेस कर रहे हैं। एडमिशंस जो है, जैसे हर साल क्या होता था कि हमारी बैचेस 27 अप्रैल से स्टार्ट होती थी, ऑन अ पर्टिकुलर डेट 55-60 बैच स्टार्ट हो जाती थी। बट दिस ईयर क्या हो रहा है कि धीरे 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 पेरेंट्स अलग अलग रीजन के जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे कंडीशन से हो रहे, तो धीरे धीरे आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होगा कि अभी पाइपलाइन में कुछ और एडमिशन है, तो कैसा होगा कि हमें 7 दिन बाद फिर से नया बैच लेना पड़ेगा 5 बच्चों का, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। सो हम लोगों ने सोचा है अभी कि एक काम करते हैं हम लोग, अभी आप लोग को जैसे जो ओल्ड बैच चल रही है आर्मी की, उनको भी हम लोगों ने 8, 9, 10th के पहले बेसिक्स पे फोकस किया था, उनको तो मैंने 15 डेज पढ़ाया था 8, 9, 10th, 11th स्टार्ट ही नहीं किया था। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, आपको केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स हम लोग देंगे 8, 9, 10th से रिलेटेड, एनसीईआरटी बेस्ड, और वो पर्टिकुलर चैप्टर जब आपको क्या होता है मैसेज आ जाएगा, वो चैप्टर किए चैप्टर रीड करना है, और उस चैप्टर बेसिस पे आपको ऑनलाइन असाइनमेंट आएगा, वो सॉल्व करना है, और उसको हम लोग ऑल्टरनेट डे उसको ऐसा ऐसा डिस्कस करते जाएंगे।